बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद से अपनी अगली मूवी साहू को रिलीज होने को तैयार है। फिल्म में प्रभास के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी नजर आएंगी। दोनों ने मिलकर फिल्म के प्रमोशन कर रहे हैं और इन्हीं प्रमोशन के बीच में जब प्रभास से पूछा गया कि आपकी ये मूवी कितनी खास है और कहाँ तक है, तो उनके जवाब सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। बाहुबली जैसी फिल्मों के बाद साहू से दर्शकों ने काफी ज्यादा उम्मीद लगा रखी है और शायद यही वजह है कि डायरेक्टर्स का प्रेशर प्रभास के ऊपर बढ़ता जा रहा है। प्रभास ने खुद बताया कि इस मूवी को करते करते मेरे ऊपर मानसिक तनाव बढ़ गया है। मुझे डायरेक्टर या फिल्म की स्क्रिप्ट पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो भार राजा मौली ने मेरे ऊपर डाल दिया है उससे दबाव बढ़ता है। न जाने कितने फैंस हैं जिनका प्यार मेरे लिए बढ़ चुका है, इसीलिए दबाव तो होता है। ये डर भी सताता है कि साहू को लेकर मेरा तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो लगता है कि मानो मैं सपने में जी रहा हूँ। लोग मुझे पहचानते हैं, इससे पहले तक कोई ठीक से मुझे नहीं जानता था। बाहुबली ने मुझे एक नई पहचान दे दी, देश ही नहीं दुनिया भर के लोग अब मुझे पहचानते हैं। मैं पहले कई बार मुंबई आया हूँ, तब मुझे कोई नहीं पहचानता था, अब मुझे सब जानते हैं, वो मेरे पास आते हैं। इस पहचान की वजह से कहीं भी आने जाने की आजादी छिन गई है। एक तेलुगु स्टार होने के नाते मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब जो हो रहा है वो बेहद खूबसूरत है मेरे लिए और शायद इसी वजह से मेरे रातों की नींद भी उड़ी हुई है। अब देखते हैं कि साहू से प्रभास की उम्मीदें किस हद तक बनी हुई हैं और फैंस को इनका कितना प्यार मिलता है। हालांकि साहू के ट्रेलर को देख के लग चुका है कि मूवी एक दमदार एक्शन से भरी हुई है और जिस तरीके से इसमें श्रद्धा कपूर है इनके साथ, तो वाकई फिल्म में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको हमारे शोज़ के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। सो कीप वॉचिंग।